लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र पूरे देश में होने जा रहे हैं। अपने अपने उम्मीदवारों के लिए सब दल सब पार्टी सब नेता वोट मांग रहे हैं। मैं भी अपने सारे काम छोड़कर आज आपके घर में आया हूँ आपसे निवेदन करने के लिए, गुजारिश करने के लिए, आग्रह करने के लिए। ये लोकसभा के चुनाव इस प्रदेश और राष्ट्र की तकदीर को तय करेंगे। आने वाले 5 साल तक इस बूथ की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, इसका निर्णय, इसका चयन आप सब लोगों को करना है। 5 साल पहले जो सरकार बनी थी वो हमारे सामने, हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव हारे थे, विपक्ष में बैठे थे। हमने कहा जनता जनार्दन है, आपने जिसको आशीर्वाद दिया उसको शासन करने का मौका मिलना चाहिए। आज 5 साल पूरे हुए, मैं सवाल करना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, आपको पूरा बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। आपने बहुत लंबे लंबे वादे किए, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कालाधन लेकर आ जाएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। मैं आज पूछता हूं भाजपा के नेताओं से कि आपने जुमले दिए, झूठे वादे किए, कहा निवेश होगा, रोजगार मिलेगा, कालाधन समाप्त हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। आज पूरे 5 साल का समय आपको दिया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कल के दिन भाजपा का मैनिफेस्टो निकला, वही पुराने वादे, 2022 में ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे। अरे आपको विश्वास के साथ जनता ने सत्ता दी थी, सत्ता की चाबी दी थी, आपने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, इस पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा खतरनाक माहौल पैदा किया है, दमन की राजनीति करी है, लोगों को लोगों से भगा दिया है, जहर बोला है समाज के अंदर। कौन क्या खाता है, किसकी पूजा करता है, क्या भाषा बोलता है, कि जाति बिरादरी का है, किस रंग का है, इस पर राजनीति होनी चाहिए? या किसान पर, खाद, बीज, बिजली, महंगाई, स्कूल, सुरक्षा, शिक्षा, इनकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भाजपा के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली और मैंने असर देख ली। मैं सड़क रास्ते से आया, नांदेड़ से लातूर, कमर टूट गई। 120 किलोमीटर का रास्ता 3.5 घंटे, पूरा पेट का पानी हिल गया यहां से वहां तक। इनको कोई चिंता नहीं सड़क की, कोई चिंता नहीं निवेश की, उद्योग लगे ना लगे, इनको तो सिर्फ समाज में जहर घोलना है, भाई को भाई से लड़ाना है। इस हिंदुस्तान के संविधान में जो अधिकार सब लोगों को दिए हैं, ये वरदान है, आशीर्वाद है हमारे पूर्वजों का, उसको छीनना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो। आक्रमण की राजनीति, दमन की राजनीति, ये देश के समाज और देश की संस्कृति से मेल नहीं खाती। जो लोग अपने आप को ठेकेदार मानते हैं धर्म के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस भारतवर्ष का इतिहास 5000 साल पुराना है। हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 5000 साल से आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत है, उसको क्यों तोड़ना चाहते हो? वोट लेने के लिए लोगों को क्यों लड़ाना चाहते हो? आपको वोट दिया था, सिंचाई का पानी आएगा, खाद दी जाएगी, नौकरी लगेगी, हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी, लेकिन आपने क्या किया 5 सालों के अंदर? जिन संस्थाओं को 70 साल की मेहनत से हम लोगों ने खड़ा किया, उन संस्थाओं को चुन चुन कर नष्ट करने का काम किया। हमारे गणतंत्र में, लोकतंत्र में, लोकशाही में हम लोगों ने बहुत क्या बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती भी है, हारी भी है, लेकिन हमने कभी हमारी संस्थानों को नष्ट करने का काम नहीं किया। 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हम काम नहीं कर सकते, आज नौकरशाही का दबाव है, आज हमारी न्यायपालिका का दबाव है, मीडिया का दबाव है। आजकल सब लोग व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, लोगों को भय है, खौफ है, और भाजपा से कोई सवाल पूछ ले, केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो।
मैं मोदी जी से अमित शाह से कुछ पूछ लूं कि नौकरियां कहां हैं, देश कब होगा, तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्यों जाए पाकिस्तान, ये देश हमारा है। देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते। हमारी सड़क पर जो सैनिक खड़े हैं वर्दी पहनकर, रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगल में हमारी सड़क की सुरक्षा करते हैं, वो हमारे देश के मान सम्मान के प्रतीक हैं। 125 करोड़ के मुल्क की हिफाजत को सैनिक करता है, वो किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी भाषा का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की इमानत है। लेकिन आप हमारे वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान की आड़ में अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हो। आप हम महाराष्ट्र में आए थे दो दिन पहले, फिर लंबे लंबे भाषण देंगे। जो लोग आपको ताली पीपी कर खोज रहे 5 साल तक, शिवसेना ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी को नीचे खींच लेंगे, लेकिन सत्ता का लालच है। फिर जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक मंच पर आ गए, विपक्ष की पार्टियां गठबंधन कर दे तो कहते वहां मिलावट है। और आप पूरे देश भर में हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो। नीतीश कुमार जी की बिहार में 2 सीटें थी, उनको 17 सीटें थी। उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बचा सबकोश में जो मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया 5 साल तक। लेकिन जब चुनाव आया, सत्ता जाती दिखी तो सबसे हाथ मिला लिया। मैं साथियों आप लोगों से कर्तव्य निवेदन करता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत कर जाए, कांग्रेस सत्ता में आए, ये बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर हमारी आवाज बुलंद रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, कोई भरोसा नहीं है। ये लोग दोबारा जीत गए तो आगे चुनाव होंगे भी नहीं होंगे किसको मालूम नहीं। ये सब कुछ कर सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता को आज चुनौती है। महाराष्ट्र के लोगों से, लातूर के लोगों से कहना चाहता हूं, ये वो जिला है, ये वो प्रदेश है। आज मैं विलासराव देशमुख जी को याद करता हूं, उनके साथ मेरे काम करने का मौका मिला। विलासराव जी मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, समय से पहले उनको हमारे बीच से जाना पड़ा, लेकिन ये जिले के विकास में जो काम उन्होंने किया और आज हमारे भाई ने जी कर रहे हैं आप लोगों के सामने। फिलहाल पहले साथ स्पीकर रहे, मंत्री रहे, हमारे साथ काम किया, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं। इन सब लोगों ने त्याग, तपस्या, समर्पण भाव से महाराष्ट्र के इलाकों की सेवा करी है। और आज इनके कहने पर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने का दायित्व आप लोगों के ऊपर है। ये जिला कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। ये आप लोगों की है। मतदान का दिन 18 तारीख को वोट पड़ेगा। अभी 10 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट बचे। मैं तो इतनी दूर से चलकर आया हूं, आप लोगों से आग्रह करने के लिए और आप लोगों का विश्वास लेने के लिए। हमारे उम्मीदवार को जिताना है, हाथ का बटन है, इस बटन का दबाना है। दोनों हाथ खड़े करके मुझे बता दो कि लातूर से कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। मैं जब जब लातूर आया हूं, देशमुख जी ने, अमित जी ने जब भी मुझे यहां पर आने के लिए बोला है, मैं सारे काम छोड़कर यहां पर आता हूं। यहां की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं लातूर आता हूं, आप लोगों से मिलता हूं तो मेरा भी आधा लीटर खून बढ़ जाता है। और फिर मैं पिछली बार राजस्थान में मैं विपक्ष में था, आप लोगों के बीच आया, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर गए और राजस्थान में हमने बीजेपी को पिछाड़ दिया। कांग्रेस सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस का शासन आ गया। अब वो दिन दूर नहीं है, चंद महीनों की बात है, दिल्ली में शासन आ जाए, फिर मुंबई में हमारा राज आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 18 तारीख को आप लोग कांग्रेस को जिताओगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं समझूंगा मेरा लातूर आना सफल हुआ जब आसपास के पूरे क्षेत्र में सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे।
हो सकता है 23 मई को जब परिणाम आएंगे इस मुल्क में नई सरकार का निर्माण होगा, एक नया प्रधानमंत्री हमारे बीच में आएंगे। राहुल के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भी अपने सिद्धांतों से कभी हमने समझौता नहीं किया। अब आप लोगों से निवेदन है 23 को जब मतगणना होगी मैं जयपुर में बैठा होगा, लेकिन आपसे निवेदन करके जाता हूँ हमारे हाथ के निशान के बटन को जब आप दबाओगे तो टी करके बोलता है, वो टी की आवाज जयपुर में सुनाई पड़ जाए कि आपके वोट पड़ जाएंगे।